इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डीसीजीआई ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए दो दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। टू डीजी यानी डायऑक्सी डी ग्लूकोज को डीआरडीओ लैब इंस्टीट्यूट और डॉक्टर रेड्डी लैब ने मिलकर तैयार किया है। डीआरडीओ का कहना है कि कॉमन मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का एनालॉग होने की वजह से 2DG आसानी से बनाकर उपलब्ध करवाई जा सकती है। 2DG कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत कारगर साबित होगी। इसे मीडियम से लेकर सीरियस सिम्टम्स वाले मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2DG के ट्रायल में सामने आया है कि यह कोरोना पेशेंट्स को तेजी से रिकवर होने में मदद करती है। मैं डॉक्टर सुधीर चांदना इनमास DRDO से। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था COVID-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy-D-glucose जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में, और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-deoxy-D-glucose भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए, और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है।